अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में गुरु और गाय का बहुत महत्व है, गौ माता का और गुरु जी का बहुत ही महत्व। सबसे ऊंचे स्थान पर ये लोग विराजित हैं हमारी संस्कृति के अंदर। तो इनके बारे में मैं दो दो छोटी छोटी बातें आपके साथ सामने लेकर आया हूँ, जिससे आपके जीवन में आपके भाग्य के द्वार खुलने लग जाएंगे। दो चीजें ऐसी हैं जो करनी है जो नहीं करनी है, समझिएगा। तो गुरु की और गाय की कभी भी छाया पर पांव नहीं रखना। गुरु की छाया जमीन पे जिस जगह पर पड़ रही हो उन पर अपना पांव कभी भी भूल कर भी नहीं रखना। ये बात याद रखना। आपके आपकी कुंडली के बृहस्पति बहुत बुरे परिणाम देने लग जाएंगे। और मैं कम से कम 50 बार ये कह चुका हूँ कि शनि मंगल राहु ये तो ठीक है, इन सब के उपाय लोग, इनसे दुनिया डरती आ रही है, लेकिन जिसके बृहस्पति कमजोर हो गए, जिसके बृहस्पति ने बुरा परिणाम देना शुरू कर दिया, उसको इस जीवन में नर्क भोगने से कोई नहीं बचा सकता। तो गुरु का मतलब गुरु का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, हमसे बड़ा, है ना। तो बुजुर्ग भी हैं आपके घर के, माता पिता भी हैं आपके घर के, बड़े भाई भी हैं जो आदरणीय हैं, जो बड़े हैं आपके घर में। आपके क्लास के टीचर हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कॉलेज के शिक्षक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, या फिर वे विद्वान हो सकते हैं जिनको आप अपने मन में गुरु मानते हो, जिनसे प्रेरणा लेते हो। ऐसे प्रेरणास्पद व्यक्ति की छाया के ऊपर आपको पांव नहीं रखना है। गौ माता की छाया, गौ माता की छाया जिस जगह पर पड़ रही है जमीन पर, उस पर भी आपको अपना पांव कभी भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कुंडली में गुरु बहुत खराब हो जाते हैं। अगला, गुरु की किसी बात को टालना नहीं और गाय की बंधी हुई रस्सी को लांघना नहीं। गुरु अगर किसी बात का आग्रह कर देता है आपसे, गुरु ने अगर कोई आपको निर्देश दे दिया, तो आंख मीच के मान लीजिए। अब आजकल के देखिए, ये तो सब पौराणिक बातें हमारे शास्त्र में लिखी गई है, वो ये सब बातें, तो आज के युग में कितना फलीभूत होंगी नहीं होंगी इसकी मैं कोई गारंटी दावा नहीं करता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि गुरु मेरे, जिनको आपने गुरु बना रखा है, आपको पता है कि वो सात्विक गुरु है, बहुत अपने मन से जिनको आपने गुरु बना रखा है, उनकी कोई भी बात, उनकी कोई भी आज्ञा नहीं टालना। जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए। गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो ना कर। गुरु क्या करते हैं इसके ऊपर आपका ध्यान कभी नहीं जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उनकी वाणी पर हमेशा अपने कान को सजग रखो कि वो क्या कहते हैं। उन गुरु वचनों को पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल बुढ़ापा बहुत बढ़िया निकलता है ऐसे व्यक्ति का। उसके घर में बाल बच्चे पोता पोती सब आनंद होता है ऐसे जो गुरु को सबसे ऊपर रखता है, उसकी बात नहीं टालता। गुरु अच्छे हैं कि बुरे हैं आजकल के कलयुगी गुरु हैं कि इस पर बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आपके विवेक से निर्णय लीजिए क्या करना है। अगला, गाय की रस्सी जो बंधी हुई होती है, अगर वो गाय रास्ता पार कर रही है और उसकी रस्सी, लंबी रस्सी आपके सामने आ रही है, रास्ते में आ रही है, उस रस्सी के लांघ कर नहीं जाना, बाइक को उसके ऊपर से चढ़ा कर नहीं ले जाना है, उस रस्सी को निकल जाने दीजिए या रस्सी को टाल कर निकलिए। गाय की या किसी पशु की रस्सी को क्रॉस करके उसके ऊपर पांव धर के नहीं निकलना, उसको लांघ कर भी नहीं निकलना चाहिए। इस छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये दो बातें थी, छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग में आई अचानक, तो मैंने आपको बता दी। इंस्टाग्राम पर भी आइए, वहीं पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ढेर उपाय मैंने बता रखे हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अमोघ शक्ति एस्ट्रो नाम से, अमोघ शक्ति एस्ट्रो को उस पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आइए, छोटे उपाय वहाँ पर मिलेंगे। बड़े बड़े वीडियोज जिनका पूरा सार के साथ मैं बताता हूँ वो यहाँ यूट्यूब पर मिलेंगे। यहाँ भी स्वागत है, वहाँ भी स्वागत है, जहाँ भी जाए वहाँ भी स्वागत है। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे।